हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंध एजुकेशन। इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कवर करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं वीडियो, आते हैं। सेल, व्हाट इज सेल? सेल है क्या? सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एक बेसिक मतलब छोटी छोटी जो चीज़ हमारे लिए रिक्वायर होती है वो सेल, मतलब जिससे हमारी बॉडी बनी है, बेसिक चीज़ है एक। और इसको फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। ये याद रखिए, किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक। किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट हुक। किस ईयर में? 1665। ये याद रखिएगा, 1 मार्क का क्वेश्चन है, आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं, अब सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। सेल थ्योरी है क्या? सेल के बारे में, ऑल द लिविंग थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल। जितनी भी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस चीज़ से बने हुए हैं? सेल से। सब कंपोज किस चीज़ से? सेल से। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, सेल आर द बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। सेल एक बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और न्यू सेल आर प्रोड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो भी न्यू सेल ओरिजिनेट होते हैं और प्रोड्यूस होते हैं वो किससे ओरिजिनेट होते हैं? प्री एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग सेल से। जैसे हमें चोट लग जाती है, जो डेड सेल होते हैं वो हट जाते हैं और उसकी जगह न्यू सेल आते हैं, जो कि प्रोड्यूस्ड किससे होते हैं? एग्जिस्टिंग, मतलब पहले ही जैसे होते हैं उसी से प्रोड्यूस्ड ऑफ होते हैं। अब आते हैं, ये देखिए, ये एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल है, और ये एक बैक्टीरिया का सेल है, प्रोकैरियोटिक। अब डिफरेंस पढ़ लेते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 to 5 मार्क में आता ही आता है। प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? इसमें डीएनए इज़ नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। जो डीएनए होती है वो बाउंडेड नहीं होती मेम्ब्रेन में। अभी दिखाते हैं इसको, ये प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें ये देखिए, जो ये है ये न्यूक्लियोइड, इसमें जो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है वो नहीं है, इसका जो डीएनए है वो बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन नहीं है। और यूकैरियोटिक सेल देख लीजिए, ये क्या है? जो डीएनए है, ये डीएनए है वो किससे बाउंडेड है? एक सेल मतलब सेल में नहीं, एक मेम्ब्रेन से बाउंड है। सेल मेम्ब्रेन तो ये है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक इट हैज़ सिंगल सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स के पास क्या होता है? सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये देखिए, एक सिंगल सर्कुलर डीएनए है, ये किसी चीज़ से बाउंडेड नहीं है, सिंगल सर्कुलर होता है। और यूकैरियोट्स में डीएनए पेयर्ड क्रोमोसोम्स में होता है, इन पेयर्ड क्रोमोसोम्स। जैसे कि आपने क्रोमोसोम्स को देखा होगा पिक्चर में देखा होगा, बुक में जो बनी हुई है, ये ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम्स में होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोकैरियोट्स में इट डू नॉट हैव वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट्स पास वैक्यूल नहीं होती है, और इट हैज़ लार्ज वैक्यूल्स। यूकैरियोट्स में होता है लार्ज वैक्यूल्स होती हैं इन प्लांट सेल, और जो एनिमल सेल्स में होती हैं वो छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, ना ही के बराबर वैक्यूल, छोटी छोटी होती हैं। देखिए, ये एनिमल सेल है, इसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स होती हैं, ये वैक्यूल्स, ये देखिए, ये छोटी छोटी, और प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल्स होती हैं, और इसमें वैक्यूल्स होती ही नहीं है। फोर्थ पॉइंट प्रोकैरियोट्स का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट होते हैं इसमें। और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें यूकैरियोटिक, इसमें जैसे कि बस राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है और कुछ सब एब्सेंट होते हैं, और बाकी ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और बाकी सारे ऑर्गेनेल्स। ये हो गया, ये डिस्कस कर लिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस एनिमल सेल और प्लांट सेल में।
जो एनिमल सेल होता है उसके पास सेल मेम्ब्रेन तो होती है और सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये जो है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है प्लांट सेल की, सेल वॉल होती है। और एनिमल सेल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, होती ही नहीं है सेल वॉल, ठीक है। और प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल होती है, पर एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है, याद रखिएगा। और सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखिएगा। और ये देखिए इसमें वैक्यूल कितनी बड़ी है, प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती है और एनिमल सेल में क्या होती है, छोटी होती है। ये साइटोप्लाज्म हो गया, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, इसमें सभी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल ही में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट इसमें प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में बस, याद रखिएगा। ये आगे बढ़ते हैं, द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर मोस्ट क्या होती है सेल की मेम्ब्रेन होती है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। जैसे ये है एनिमल सेल, इसमें सेल मेम्ब्रेन, इसमें सेल वॉल तो होती नहीं है, तो सेल मेम्ब्रेन जिसको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। किससे बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। किस चीज़ से बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है। लिपिड क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है, याद रखिएगा। और इस चीज़ों को कॉपी में नोट करते चलिए, अपनी कॉपी बना लीजिए बायो की, उसमें नोट करते चलिए। सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमीएबल, अब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन। अब क्या होती है, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है, इसका मतलब कि कुछ ही सब्सटेंस का इनटेक और आउटटेक होता है। देखिए जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इट अलाउज ओनली फ्यू सब्सटेंस एंटर इन इट एंड आउट ऑफ द सेल, मतलब कुछ ही गिने ही चुने सब्सटेंस को वो अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है। ये इसका काम है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है। ये सब याद करते चलिए, दिमाग में अपने सेट करते चलिए, क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमीएबल, मतलब कुछ ही चीज़ों को इनटेक करती है और कुछ ही चीज़ों का आउटटेक, मतलब सेलेक्टिव, सेलेक्टिवली परमीएबल मतलब सेलेक्टिव, कुछ ही सब्सटेंस का इनटेक और आउटटेक करती है। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ द सब्सटेंस मूव थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस मूव करते हैं। अब डिफरेंट वेज हैं इसके, डिफरेंट वेज इन विच द सब्सटेंस मूव थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। थ्रू डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस सब्सटेंस मूव थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। तो सिंपल डिफ्यूजन होता क्या है, सम गैशियस सब्सटेंस, कुछ गैशियस सब्सटेंस होते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन हो गई है, तो इसमें जैसे गैशियस मॉलिक्यूल हो गया ऑक्सीजन, तो ये डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती है। अब आगे क्या लिखा है, देयर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू रीजन वेयर इट इज़ लो कंसेंट्रेशन, मतलब जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे मानिए यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के और यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये उस रीजन से, मतलब यहाँ ज़्यादा कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की और यहाँ कम कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन की, तो जहाँ ज़्यादा कंसनट्रेशन है वहाँ से ऑक्सीजन कहाँ मूव करेगा, अंदर की तरफ, जहाँ लो कंसनट्रेशन है, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन हो गया, ये प्रोसेस दिमाग में सेट कर लीजिए, अपने बैठा लीजिएगा अच्छे से कि डिफ्यूजन होता क्या है, ये आता ही आता है एग्ज़ाम में, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। अब ऑस्मोसिस होता क्या है, द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल सेवे परमीएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन कॉल्ड ऑस्मोसिस। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक सेल है, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई है, तो यहाँ जैसे कि सब्सटेंस है, यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल हो गए और यहाँ मान लीजिए लिक्विड में ये मूव करता है, यहाँ 6 मॉलिक्यूल 9 मॉलिक्यूल हो गए वाटर के, ठीक है। यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं वाटर के और यहाँ 9 मॉलिक्यूल है वाटर के,
तो ये कहाँ से कहाँ मूव करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक है। यहाँ दो है तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन, जहाँ ज़्यादा मॉलिक्यूल है वाटर के वहाँ मूव करेगा। और ये किसके थ्रू मूव करता है, सेमी परमीएबल, सेमी परमीएबल का मतलब सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है। ये वर्ड याद से लिखिएगा वरना मार्क्स कटेंगे। सेमी परमीएबल मतलब सेलेक्टिवली परमीएबल। सॉल्यूशन किससे बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट में क्या आता है, शुगर आता है, सॉल्ट आता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, वाटर, वाटर सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, मैं अच्छे समझाता हूँ। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या हैं, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हाइयर वाटर कंसनट्रेशन, जैसे कि ये वाटर है, ये सेल है, इसके बाहर जो पानी भरा हुआ है उसमें हाई कंसनट्रेशन है, ठीक है। मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, हाई कंसनट्रेशन है, ठीक है। द सेल वॉल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सोल्यूशन इज नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, ये एक बकेट है, इसमें एक सेल है, ठीक है मान लीजिए, और ये जो है इसमें हाई कंसनट्रेशन है, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन का वाटर, और इसमें सेल के अंदर लो कंसनट्रेशन है। तो थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने पढ़ा क्या है, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा, तो सेल के अंदर पानी भरा, तो स्वेल क्या कर गया, ऐसे स्वेल था हमारा सेल था, और ये क्या गया, स्वेल कर गया, मतलब स्वेल कर गया, ठीक है, पानी अंदर भरने से। तो इसी को ये कौन सा सोल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस हम कब कहेंगे, देखिए ये सेल है, जब बाहर से अंदर की तरफ कुछ चीज़ मूव करे सेल के, और सेल क्या करे, स्वेल कर जाए, जिस सेल हमारा ऐसा था और स्वेल कर गया ये स्वेल, तो क्या हो जाएगा, ये एंड ऑस्मोसिस। और जो क्या कहते हैं, और श्रिंक करे जब सेल हमारा, जैसे ये है, और जब सेल श्रिंक कर जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एग्स ऑस्मोसिस। अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन होते क्या हैं, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, बना के दिखाता हूँ आपको डायग्राम, ये हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया हमारा। इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसनट्रेशन, बाहर जो है कम कंसनट्रेशन ऑफ वाटर का, सेल के पास ज़्यादा कंसनट्रेशन है और बाहर कम कंसनट्रेशन है वाटर का, ठीक है, तो सेल क्या करेगा, लूज वाटर, हायर कंसनट्रेशन की से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ वाटर जाएगा, तो सेल में हायर कंसनट्रेशन है और बाहर लो कंसनट्रेशन है, तो सेल से पानी बाहर की तरफ जाएगा और सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है, श्रिंक कर जाएगा। इसे ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। हाइपो मतलब स्वेल अप हो जाता है और हाइपर मतलब श्रिंक हो जाता है सेल, ठीक है। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सोल्यूशन बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, देखिए, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली, देखिए ये हो गया हमारा बकेट और बीकर हो गया, और इसमें ये सेल है हमारा ये, और ये बाहर जो सोल्यूशन है उसकी वाटर कंसनट्रेशन है इक्वल होती है, और मूवमेंट किसी चीज़ का मूवमेंट नहीं होता, नेट ज़ीरो नेट मूवमेंट होती है, ठीक है, तो उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैंने बताया था कि इसको और भी क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही वर्ड है। तो क्या है, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल, मैंने बताया था एनिमल सेल में आउटर मोस्ट लेयर है, और आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट सेल क्या है, सेल वॉल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज़ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है, लिपिड एंड प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। लिपिड क्या होता है, फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो एनेबल्स द सेल टू इनगल्स, क्या निगल जाता है, क्या एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट पे होता है जो भी चीज़ चाहिए उसको निगल जाती है, और उस प्रोसेस क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन हो गई और ये मॉलिक्यूल इसको चाहिए तो ये क्या है, इसको निगल जाता है, ये सेल मेम्ब्रेन इस चीज़ को निगल जाता है, ठीक है। अब प्लाज्मोलिसिस क्या है, प्लाज्मा व्हेन द सेल लूजेज वाटर, जैसे कि ये सेल वॉल की बात हुई तो प्लांट सेल, प्लांट सेल ये हो गया हमारा, ठीक है, जिसमें क्या लिखा है, व्हेन द सेल लूजेज वाटर बाय ऑस्मोसिस, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है। जब सेल लूज कर देता है वाटर को, और सेल मेम्ब्रेन जो ये जो कंटेंट है, सेल ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये सेल वॉल हो गई,
और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो श्रिंक कर जाती है और सेल वॉल से लूज कर जाती है कॉन्टेक्ट। ये तो मान लीजिए हमारा नॉर्मल है, और जब वाटर से वाटर बाहर चला जाएगा तो ये श्रिंक कर जाता है और इससे लूज कर जाती है कॉन्टैक्ट सेल वॉल से। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेल्स पे आते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को हम दो पार्ट में कवर करेंगे, याद रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके, लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं सबसे पहले न्यूक्लियस। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, और मेम्ब्रेन इज डिसकंटिन्यूस एज सम प्लेसेस। जैसे मेम्ब्रेन है वो कई जगह मतलब डिसकंटिन्यूस होती है, और ये जो पोर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर ये सब टर्म याद रखते चलिएगा। न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं, कैसे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, और दीज पोर्स अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ये जो पोर होते हैं ये क्या होते हैं, इसी से जो मटेरियल अंदर जाता है और बाहर जाता है ट्रांसफ़र होता है। और द लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जैसे न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, और ये न्यूक्लियोलस हो गया, जो लिक्विड सब्सटेंस होता है यहाँ उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोजोम्स। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं विच आर विजिबल एट रॉड शेप्ड। क्रोमोजोम्स ऐसे होते हैं रॉड शेप्ड होते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रोमोजोम्स होते हैं व्हेन द सेल इज़ अबाउट टू डिवाइड, जब सेल डिवाइड होता है। ठीक है, अब क्रोमोजोम कंटेन इंफॉर्मेशन अब फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन टू इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये टर्म याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म आता ही आता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए। ठीक है, डीएनए आप सबको पता होगा। और ये जो क्रोमोजोम्स ये क्या होते हैं, जेनेटिक मतलब जो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन रहती है इनके पास, इन मतलब पेरेंट्स से ये ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर होते हैं वो क्रोमोजोम्स के ही थ्रू जाते हैं। ठीक है, जैसे किसी के हेयर और स्किन टोन ये क्रोमोजोम के ही थ्रू मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर्स जाते हैं। ठीक है, किस फॉर्म में जाते हैं वो, डीएनए, डीएनए के फॉर्म में जाते हैं, डीएनए और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं। क्रोमोजोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोजोम डीएनए एंड प्रोटीन से होते हैं। ठीक है, और सेल वॉल किससे होती थी जल्दी बताइए कमेंट में, कमेंट में लिपिड एंड प्रोटीन याद रखिएगा। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स, जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम्स के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, द न्यूक्लियस प्लेज अ सर्टन रोल इन सेल रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल। न्यूक्लियस इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, इस माइंड भी कहा जाता है सेल का, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर होता है, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सभी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। जैसे हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, वैसे ही सेल को क्या कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट, उससे पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन आते रहे, और लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए सभी दोस्तों के बीच में, जिससे हम ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और अच्छे से अच्छे वीडियो कोशिश करें और लाएं आप सभी के बीच में। और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को, थैंक यू, और जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा।